अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर रिकॉर्ड नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज के साथ। लेकिन हम काउंटर की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको ये लवली सा सूट दिखाती हूँ जो सयान ऑनलाइन .pk से आप भी ले सकते हैं, और अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको 30% ऑफ भी मिलेगा। बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है एंड लवली कलर्स एज वेल। सो बिग थैंक यू टू सयान फॉर गिविंग मी दिस लवली सूट। ओके जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं फेन्यूग्रीक चिकन, यानी कि मेथी चिकन। दो टाइप्स की मेथी हम डालेंगे। एक यहाँ मेरे पास है ड्राई फेन्यूग्रीक पाउडर, जो कि है कसूरी मेथी, ठीक है, सुखाई हुई। ये वही चीज़ है, इसी को मैंने सुखाया है, ठीक है। ये मैंने घर में बनाती हूँ। मैं बहुत सारी मेथी जब होती है घर पे, उसको मैं सुखा देती हूँ अवन में बिल्कुल हल्की आँच पे, और फिर उसको क्रश करके आप रख दीजिए बॉटल भर के। इतनी अच्छी खुशबू आएगी। दिस इज़ द मेथी आई यूज़, ये बड़ी वाली मेथी की जो गट्ठी होती है वो, ठीक है। 250 ग्राम आपको ये चाहिए। इसको धो के चॉप करके हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये रखा था ऐसे ही धोए बगैर, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं, और फिर उसके बाद हम धोएंगे और फिर चॉप करेंगे। वो हम सेकंड बनाएंगे रेसिपी। पहली रेसिपी हमारी जो है वो आज है हनी एंड सिनेमन बार्स। इसको अच्छी तरह धोइएगा, एक बोल पानी का लीजिएगा, उसमें इसको सोक करके रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी एक्सेस मिट्टी वगैरह होगी फिर इसमें निकल आएगी, इस तरह जस्ट सोक दिस। बहुत मिट्टी होती है, छोटी मेथी भी मिलती है, लेकिन मैंने ये बड़ी वाली ली है। दो टाइप्स की मिलती हैं, और सुखाती भी मैं इसी को हूँ, ठीक है, छोटी वाली को नहीं। सो ये हम फिर छान के इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई हैव गॉट इनेक्स की तरफ से गिफ्ट आज हमारे शो पे, विच इज़ अ डीलक्स सैंडविच मेकर। तो अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू, तो आपने मुझे बताना है चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और 8881 पे हमें SMS करिएगा। यहाँ चिकन मैंने रखी हुई है। इस चिकन को आप देखेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट कलर की लग रही है आपको। ये बॉयल की हुई नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट बॉयल्ड। इसको मैंने ला के घर धो के पानी के एक बड़े से बर्तन में काफ़ी सारा सिरका डाल के रख दिया था, ताकि ये जल्दी से पक जाए। नॉर्मली देसी मुर्गी होती है, या आपने वो फ्रोज़न वाली नहीं, दूसरी वाली मुर्गी आप लाइव कटवाते हैं अपने सामने, तो वो बाज़ वक्त टाइम लगता है उसको पकने में, ठीक है। सो इफ़ यू वांट के टाइम नहीं लगे, जल्दी से झटपट पक जाए, तो पूरी फुल रोस्ट चिकन भी हो, तो मैं उसको पूरी की पूरी चिकन को एक बड़े से पतीली में थोड़े से चंद कतरे सिरके के डाल के छोड़ देती हूँ। तो उससे फिर क्या होता है कि वो अच्छा सा ब्राइन हो जाता है, टेंडर होने में, जल्दी पकने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। तो आप भी वो कर सकते हैं। इस रेसिपी पे हम बाद में आएंगे। पहले मुझे बेकिंग की रेसिपी एज यूजुअल करनी है। पहले हम हमेशा बेकिंग करते हैं। सो मैं बताती चलूँ कि हनी सिनेमन बार्स के लिए क्या है। एक कप चीनी है, 3/4 कप हम शाताज कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे, 1 अदद अंडा है, 1/4 कप हम इसमें शहद डालेंगे, 2 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1 कप चॉप किए हुए वॉलनट्स हैं, ठीक है। और वो अज्जा जो वहाँ हैं उसमें हम ग्लेज बनाएंगे इसका, जिसमें है 1 कप आइसिंग शुगर, 2 चमचे मेयोनीज। आप सोचेंगे आई एम पुटिंग मेयोनीज इन अ ग्लेज इन अ डिज़र्ट, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 चमचे मेयोनीज है, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और डेकोरेशन के लिए थोड़े से अखरोट मैंने अलग से रखे हुए हैं। सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू जब ये हो जाएगा बेक। पहले हमें क्या करना है, चीनी को, शाताज कुकिंग ऑयल को, शहद को और अंडे को अच्छी तरह बीट करना है। उसमें हम मैदा, बेकिंग सोडा, दालचीनी का पाउडर और नमक डालेंगे, और फिर इसको मिक्स करेंगे, अखरोट इसमें डाल देंगे। बेक करने यहाँ डिश रेडी की हुई है, उसमें रख देंगे। बेक होके जब ये निकलेगा तो ग्लेज वहाँ है, वो उससे हम इसको ग्लेज करके फिर सेट होने देंगे, और उसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर्स या क्यूब्स में या बार्स की शक्ल में आप इसको काटिएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम ब्रेक से आएंगे तो उसके बाद हम पूरा ये प्रोसेस बनाएंगे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, आई वॉन्ट टू स्टार्ट एंड फिनिश इट बिफोर द नेक्स्ट ब्रेक कम्स, ठीक है जी। सो आई होप कि आप बहुत सारे SMS करेंगे 8881 पे, अगर आपको जीतना है सैंडविच मेकर। इनिक्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मैंने सैंडविच मेकर में बनाना सिखाई हैं, मसलन दही बड़े, केक, ऑफकोर्स सैंडविचेज एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो अवन नहीं है आपके पास, सैंडविच मेकर है, उससे कुछ बना लीजिएगा। तो चलिए मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए हमारा शो फूड डायरीज, ओनली ऑन मसाला TV।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट बेकिंग। ठीक है जी, एक कप चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, घर की आम दानेदार चीनी, उसको पीस लीजिएगा और उसको फिर हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डालेंगे एक अदद अंडा, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। आप देखते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि हम मक्खन की जगह क्या तेल डाल सकते हैं अपने बेकिंग में, केक्स में, तो मैं आज डाल रही हूँ, तो इसी तरह आप भी बनाइएगा। आई नीड 3/4 cups ऑफ ऑयल। तो ये एक कप है, पूरा नहीं भरेंगे इसको। खाने पीने के सिलसिले इसी तरह चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ये 3/4 cup शाहताज कुकिंग ऑयल चला गया। अब हम इसमें डालेंगे शहद, लेकिन ये ज़्यादा है, मुझे चाहिए 1/4 cup। देखें 1/4 cup 60 ml ये है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, इसी तरह मेजरिंग कप्स पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। सो क्वार्टर कप चाहिए हमें, ऊपर तक भरेंगे इसको। शहद, एक अदद अंडा, शाहताज कुकिंग ऑयल और चीनी पिसी हुई, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ क्या है, मैदा है, 2 cup बेकिंग सोडा इसमें जाएगा, दालचीनी का पाउडर, ड्राई चीज़ें हमेशा अलग से हम मिक्स करके रखते हैं, और 1/4 teaspoon जितना नमक, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, अखरोट हैं चॉप किए हुए 1 cup, ये जाएंगे, ये तो हो गया है, इसको मैं कहीं डाल ना दूँ। एंड एवरी थिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन टुगेदर। सो चीनी हमने पहले डाली, एक अदद अंडा, शहद और शाहताज कुकिंग ऑयल, यहाँ है मैदा, बेकिंग सोडा, नमक और दालचीनी का पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिक्स कर देनी है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। बनाइएगा ज़रूर। तरह मिक्स हो जाए, यूज अ स्पैचुला, साइडों पे जो चीज़ें रह जाती हैं बोल में उसको भी अंदर इनकॉर्पोरेट कर दीजिए और इसको आप रख दीजिए बेक होने के लिए। मगर मुझे ये भी तो डालना है, ये सारी चीज़ें भी जाएंगी, मैदा, बेकिंग पाउडर, सॉरी मैदा, बेकिंग सोडा, दालचीनी का पाउडर, नमक, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा अखरोट, चॉप किए हुए अखरोट, एंड हम शाहताज कुकिंग ऑयल से ही इस डिश को ग्रीस करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स, और अच्छी तरह ब्रश की मदद से आप स्प्रेड कर दीजिए, इस तरह ब्रश कर दीजिए। स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए इसको और फिर इसको बेक होने के लिए रख दीजिए। फिर हम ग्लेज बनाएंगे, ग्लेज सिर्फ मिक्स करना है, कुछ भी नहीं है। और अवन प्री हीट होना चाहिए पहले, बेकिंग से पहले हमेशा। हमारे शो पे आज है इनिक्स की तरफ से ये डिलक्स सैंडविच मेकर, अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 888-1 पे मुझे मैसेज करिए और बताइए चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। जी कॉलर हैं, हेलो, ओ कॉलर थे, सॉरी, दोबारा ट्राई करिएगा जिसने भी कॉल की थी, सॉरी अबाउट दैट, लाइन कट गई। अच्छी तरह मिक्स करिएगा, ये बीटर से आप नहीं कर सकेंगे, इट विल बी अ बिट स्टिकी बिकॉज इसमें शहद है, इसमें तेल है। अच्छी तरह मिक्स करते हैं, नीचे सारा मैदा रह जाएगा, ठीक है। सो जस्ट मिक्स इट प्रॉपरली। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं।
मैं भी ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। कुछ ट्राई भी करती हैं कि बस देखती रहती हैं? बेकिंग तो नहीं, पर जो दूसरी डिशेज है वो कभी कभी। क्यों बेकिंग से क्यों डर लगता है मुझे बताएं? वो ना ओवन जो है ना, वो दूसरा है, माइक्रोवेव है इसलिए। ओवन क्या? माइक्रोवेव है। अच्छा, कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन होगा तो उसमें आप बेक कर सकोगे, रेगुलर होगा तो उसमें नहीं। चले कोई बात नहीं, चूल्हे पे बेक करें ना। मैंने कितनी चीजें चूल्हे पे भी पकाना सिखाई हैं। जी, और आप बहुत अच्छी हैं, आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए। जी जरूर। चिकन थाई बेजन चिकन, चिकन चीज बॉल्स, चिकन बिरयानी, चिकन कौरमा। ओके ओके, और कुछ सोचिए। और चिकन टिक्का। ओके ठीक है। चिकन कॉर्न सूप। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। नोट कर दिया है जवाब आपका, ठीक है। चम्मच से इसको अच्छी तरह प्रेस डाउन करिएगा और यूनिफॉर्म एक ही लेवल में कर दीजिएगा, फिर बेक करने रखिएगा। छोटा डिश लीजिएगा, 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं लीजिएगा। बहुत बड़ा होगा, बहुत फैला हुआ होगा, बहुत पतला बनेगा। सो वी डोंट वॉन्ट बहुत पतला हो, बार्स के लिए थोड़ा सा चंकी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिए, बीच में से अगर ज़्यादा है तो। और फिर आप इसको रख दीजिए अवन में बेक होने के लिए। यह ठीक है जी, चलिए। ओके, अब रिकैप कर देते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी थी, 3/4 कप शाताज कुकिंग ऑयल था, 1/4 कप शहद, 1 अदद अंडा। सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा। उसमें आप डालिएगा 2 कप छना हुआ मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन, और 1/4 टीस्पून नमक। 1 कप चॉप किए हुए अखरोट उसमें गए थे। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके एक डिश में, जिसको हमने ग्रीस किया था शाताज कुकिंग ऑयल के साथ, उसमें रख के प्रेस डाउन कर दीजिएगा और आप उसको बेक करने रख दीजिएगा। नाउ कमिंग टू आर ग्लेज। ग्लेज के लिए हमें क्या करना है, एक बोल ले लेती हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें मिक्स कर दूँ। ये देखें, ये है आइसिंग शुगर, ठीक है। आइसिंग शुगर चली गई। आइसिंग शुगर को प्लीज़ छान के इस्तेमाल करते हैं हमेशा, वरना इसमें लम्स होते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज, येस यू हर्ड राइट, मेयोनीज जाएगी इसमें 2 चमचे भर के, और वेनिला एसेंस, थोड़ा सा पानी, और ये अखरोट है डेकोरेशन के लिए ऊपर। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, और बहुत ज़्यादा ना चला जाए तो आई विल यूज़ माय लिटिल बोल। बोल में मैं पानी निकाल देती हूँ, कुछ ज़्यादा चला गया तो ग्लेज बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है। सो पहले आप इतना सा पानी डालिए, से अबाउट 1 टीस्पून जितना, और इसको मिक्स कर दीजिए। आइसिंग शुगर, वेनिला एसेंस, मेयोनीज, थोड़ा सा पानी, बिकॉज ये बहुत गाढ़ा ना हो कि स्प्रेड ना हो, बहुत पतला ना हो कि बिल्कुल बह जाए। और इसको डिश में रख के ही आप इसके ऊपर ये ग्लेज लगाइएगा। उसके बाद आप उसको बिल्कुल सेट होने दीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा, और फिर आप उसको बार्स में या स्क्वायर्स में, क्यूब्स में काट सकते हैं, ठीक है। मैंने छानी थी आइसिंग शुगर, लेकिन फिर भी देखें, यू कैन सी कि ये ग्लेज बिल्कुल स्मूथ नहीं है। सो फॉर दैट मैं विस्क का इस्तेमाल करूंगी, और विल मेक श्योर कि ये बिल्कुल स्मूथ सी बन जाए, ठीक है। फिर भी अगर हो लम्स तो छान लीजिएगा। जी एक कॉलर है, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच जी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, सना बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। जी फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, थैंक यू, बहुत शौक से देखती भी हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती थी। जी चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, चिकन सैंडविच, चिकन पास्ता, चिकन कबाब, और
चिकन बारबेक्यू। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, इसलिए मैं डेली कॉल करती हूँ। इंशाल्लाह मेरी बात हो जाती है आपसे, मुझे बड़ी खुशी होती है। जी देखे ना, हो जाती है बात। अब तो मैं आपकी रेगुलर कॉल बन गई और ऐसे ही इंशाल्लाह कॉल करती रहा करूंगी। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह और मैंने ये कहना था कि कोई वेट लूज करने के लिए ड्रिंक बता दें। वेट लूज करने के लिए? जी मेरा थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो मैं पानी पिए, बहुत सारा पानी पिए जी, गर्म पानी पिए, नींबू डाल के पिए, वॉक करें, तेल ना खाएं बहुत सारा, घी ना खाएं, मीठा ना खाएं, चावल ना खाएं, क्या खाएं फिर इंसान ना? मुझे तो शुगर है, मैं तो मीठा खाती नहीं हूं। शुगर है, अच्छा तो फिर वॉक करना बहुत जरूरी है जी। तो मैंने कहा वेट थोड़ा सा और लूज कर लूं, किसी डायटिशियन को कंसल्ट करें। ठीक है ठीक, वो आपको सही सही बताएगा। और मुझे ख्वाहिश है कि मैं भी आपके शो पे विनर हूँ, मुझे बड़ा दिल करता है। मुझे नहीं पता किसकी किस्मत में आज है ये गिफ्ट, देखते हैं कौन जीतता है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, सो वी आर डन। ये सिनेमन बार्स जो हमारे हनी सिनेमन बार्स हैं वो अवन में जा चुके हैं, ग्लेज इसका यहाँ रेडी है। देखें पता भी नहीं चला कि इसमें हमने मेयोनीज डाली थी। सो हम ऐसे करते हैं, क्लीन अप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो फिर हम ये मेथी चिकन जो है फेन्यूग्रीक चिकन बनाएंगे। दो टाइप्स ऑफ फेन्यूग्रीक हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो है ताज़ा वाली और एक ये सूखी वाली है, यही इसी को सुखाया है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आप भी मेरी तरह ये लवली से कपड़े बाय करना चाहते हैं, sianonline.pk पे जाइएगा। आज अगर अभी आप बाय करेंगे तो 30% ऑफ आपको मिल जाएंगे। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सूट्स के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, एम्ब्रॉयडरी भी है, सो ऑल द बेस्ट। चलिए लेट्स टेक अ ब्रेक, वेलकम बैक। अब मैं शाताज कुकिंग ऑयल डालूंगी यहाँ पैन में, और यहाँ मेरे पास दो प्याज हैं उसको मैं कर दूंगी ब्राउन। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए उसके बाद। अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, टमाटर हैं दो अदद, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी है, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होती है, थोड़ी सी डालेंगे, नमक है एंड चिकन ऑफ कोर्स। ठीक है, मैंने चिकन बोन्स वाली ली है, बोनलेस से भी कर सकते हैं, लेकिन आई फील कि देसी खाना जो हमारा है वो बोन्स वाली चिकन के साथ ही सही रहता है, सो बोनलेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बोनलेस ऐसे ही दूसरे खानों में हम डाल देते हैं। ओके नाउ प्याज को अच्छा सा हमें पहले गोल्डन करना है, सो बार्स हमारे बेक हो रहे हैं, गोल्डन हो रहे हैं। मैंने चूंकि इस डिश में किया है, मैं जरा 15 मिनट बेक करूंगी। बड़े से थोड़े से बड़े डिश में अगर आप करें, बार्स अगर पतले हों, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ 10 मिनट इसको बेक करिएगा। ये याद रखिएगा कि जब भी हम किसी बड़े बर्तन में कुछ बेक करते हैं तो उसको कम टाइम लगता है, छोटा बर्तन होगा वो ऊँचा होगा डो तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये याद रखिएगा। अभी गोल्डन हो रहा है, मैं पोक करूँगी 5 मिनट के बाद, बिकॉज आई फील कि 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ, स्पेशली मेरे अवन में, क्योंकि हमारे ये जो फोटाइल के अवन से बहुत अच्छे हैं, सुपर एफिशिएंट हैं, बहुत जल्दी चीज़ें इसमें बेक हो जाती हैं। ऑब्वियसली घर के अवन में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे भी लगता है। अच्छा जी, आज आपने चिकन की रेसिपीज़ के नाम मुझे बताने हैं। यहाँ है हमारे पास डीलक्स सैंडविच मेकर इनेक्स की तरफ से, अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू तो जल्दी से 888-1 पे आप हमें SMS करिए अपने फ़ोन से और बताइए चिकन की रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जब अच्छी तरह प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर है, टमाटर, हल्दी है, नमक, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी बिल्कुल एंड में, ठीक है, ये अभी नहीं, एंड में, और ये मेथी है। ठीक है, मेथी मिल रही है आजकल, आलू मेथी खाएं, चिकन में डालें, बहुत सारी चीज़ों से आप बना सकते हैं, पराठा बनाएं मेथी का फिलिंग के साथ। कॉलर, हेलो जी, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मिसेज इमरान बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी फरमाइए। मैं पूछना, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी जरूर दीजिए। चिकन कढ़ाई, ठीक है, चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन कोरमा। अच्छा जी ठीक है, और मुझे इनाम भी चाहिए। इनाम भी चाहिए, अब देखते हैं ना किसकी किस्मत खुलती है आज, मुझे क्या पता किसको मिलेगा। अच्छा, मुझे इस चीज की जरूरत भी है, इसलिए कह रही हूँ।
ओके, देखते हैं जी, कुरानदाजी करते हैं हम, शो खत्म होता है तब, ठीक है। अच्छा, ये मुझे आपसे पूछना था, 20 निहारी बनाना सिखा दे। कौन सी बिरयानी? 20 निहारी, 20 निहारी। निहारी मैंने डाली हुई है, कब है मुझे याद नहीं है। निहारी मसाला भी मैं बनाना सिखाऊंगी घर का अपना, और निहारी भी, डोंट वरी। अच्छा, ये बीपी विद क्रीम यूज करना जरूरी है या कोई से भी क्रीम हम कर सकते हैं? कहाँ? केक के ऊपर डेकोरेट करने के लिए। देखें, रेगुलर जो हमारी छोटी टेट्रा पैक की क्रीम आती है वो फिटती नहीं है, वो उसको आप पाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली जो आपने नाम लिया है उसको आप अच्छी तरह ठंडा करके खूब अच्छी तरह आप उसको फेंटेंगे तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है, और उसको आप पाइपिंग बैग में डाल के उसके शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में वो मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चुके मैंने आपका हर कुकिंग शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिर्फ देखिएगा नहीं, हमारी रेसिपीज भी ट्राई करिएगा। और रेसिपीज से याद आया, सारी रेसिपीज मेरी फूड डायरीज रेसिपीज के नाम से हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का जो पेज है उस पे डाल दी गई हैं। फोटोज सेक्शन में जाके देखिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। वहाँ उर्दू में है तस्वीर के साथ, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अंग्रेजी में भी रेसिपी है। सी मोर क्लिक करेंगे ना, पूरी इंग्लिश में भी रेसिपी आ जाएगी। ये खास मैं हर रोज़ बोलती हूँ इसलिए कि बहुत सारे हमारे फैंस एंड व्यूअर्स हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं उर्दू, जो बाहर रहते हैं, इंटरनेशनल हमारे व्यूअर्स हैं, वो कहते हैं कि रेसिपी हमें चाहिए। जहाँ भी मैं तस्वीर पोस्ट करती हूँ अपने खानों की, सबको रेसिपी चाहिए। तो देखें अब कैसे मैं करूँ ना हर जगह पोस्ट रेसिपी, तो आप लोग हमारे पेज से ले लीजिएगा। ये प्याज को तो मुझे शाताज कुकिंग ऑयल में पहले ब्राउन करना है, ऐसे वरना मैं नहीं डालूंगी, ठीक है। सो ये पहले ब्राउन होगा, फिर तब तक हम चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँचा मेरा वो बार्स, ये कहाँ गया मेरा स्कूअर यहाँ से। ओके, यहाँ था, देखें अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। और पोक करके देखेंगे तो देखें दो भी साथ साथ निकल आया, नहीं हुए हैं अभी, देखें ठीक है, ये अभी नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल साफ निकलना चाहिए। सो फिर हम इसको दोबारा इंसर्ट करके चेक करेंगे। ओके, ये हल्का सा सुनहरा प्याज हो गया है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह पेस्ट को भी हम सॉटे करेंगे, वरना कच्चा कच्चा नहीं चाहिए हमें। ओके, ये हो गया, फिर इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ भूनिए, चिकन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जैसे मैंने कहा था, चिकन को मैंने भिगो के रख दिया था पानी और सिरके के साथ ताकि जल्दी से पक जाए। आप ये करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा कितनी जल्दी टेंडर हो जाती है। अब लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी, ठीक है, नमक, और अच्छी तरह चिकन को भूनिए। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे बहुत थोड़ा सा पानी डाल के। इसका अपना भी पानी निकलेगा। ताज़ी मेथी और कसूरी मेथी के साथ फेन्युग्रीक चिकन यानी मेथी चिकन मैं बना रही हूँ। मैं पहले ज़रा ढक्कन ढाँक दूँ। शेफ कुकवेयर हम यूज़ करते हैं अपने शो पे, फर्स्ट कंपनी टू मेक प्रेशर कुकर्स इन पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स नॉनस्टिक कुकवेयर आल्सो। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह। टमाटर मुझे बस डालने हैं, दो टमाटर वो डाल दूँगी मैं ब्रेक में, और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी और फूड डायरीज के शो के थ्रू। अगर आपको जीतना है आज एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट ऑफ दिस डिलक्स सैंडविच मेकर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करिए अपने फ़ोन से और बताइए चिकन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। देखें ये हो गया है बेक, ठीक है, 15 मिनट लगे थे। अब इसको मुझे थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर ये ग्लेज आपके सामने रेडी है। यहाँ बहुत पतला नहीं रखिएगा, इस तरह का हो, ठीक है, नॉट वेरी थिन, नॉट वेरी
थिक ऑल्सो, और अखरोट रखेंगे वो ज़रा थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। ग्लेज ऐसी चीज़ है कि उसको आपने अंदर अगर मतलब अब्जॉर्ब भी हो जाए तो परेशान नहीं होइएगा, इट्स नॉट आइसिंग, ठीक है। चिकन हमारी हो रही है यहाँ, जब चिकन हो जाएगी पूरी कुक फिर मैं इसमें कसूरी मेथी और मेथी के पत्ते डालूंगी। छोटे वाले पीसेज ऑब्वियसली हमेशा पहले हो जाते हैं, जो बड़े वाले एक दो पीसेज हैं ना उसमें ज़रा टाइम लगता है, और अगर आप श्योर नहीं हैं कि हुआ है कि नहीं तो हमेशा एक नाइफ से पोक करके चेक कर लीजिएगा। बस मैंने टमाटर डाल दिए थे इसमें, ठीक है। चलिए ज़रा रिकैप कर देते हैं, 1 से 1.5 किलो आप चिकन लीजिएगा, 250 ग्राम मेथी होनी चाहिए, ये वाली फ्रेश वाली मेथी लीव्स, और अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 से 2 चम्मच भर के, 2 प्याज थे चॉप करके, मैंने क्या किया था शाताज कुकिंग ऑयल 4 से 5 चम्मचे आप गरम कर लीजिएगा, उसमें आप डाल दीजिएगा ये प्याज, हल्का सा सुनहरा हो, अदरक लहसुन डालिएगा, चिकन डालिएगा, अच्छी तरह उसको भूनिएगा, और चिकन को जल्दी से पक जाए तो मैंने पूरा दिन सुबह खरीदी थी और पूरा अभी तक मैंने इसको पानी और सिरके में भिगो के रख दिया था, पूरा अंदर सोक होना चाहिए चिकन, बहुत जल्दी पक जाती है, फिर निकालिए धोइए और फौरन पका लीजिए, बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगी, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर था, हल्दी, नमक, और मैंने इसमें 2 अदर टमाटर चॉप करके डाल दिए थे, एंड में मैं ये कसूरी मेथी थोड़ी सी डालूंगी और गर्म मसाला पाउडर, दैट्स इट। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए, ज़रा चिकन हो जाए फिर हम दूसरी चीज़ें डालते हैं। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो सामको जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैं ठीक हूँ जी, बोले जवाब दे दीजिए सवाल का। जी मैं जरूर दूंगी, मैंने लिखा हुआ है चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई जी, चिकन कढ़ाई, चिकन रोस्ट, चिकन सूप, चिकन कबाब, चिकन मंचूरियन, ओके, चिकन बिरयानी, चिकन निहारी, चिकन वलीन, चिकन ग्रिल सैंडविचेस भी होते हैं, ओके, ठीक है, चिकन बारबेक्यू। बस नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी तरह शो देखिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, ओके। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए, तब तक चले हम हनी सिनेमन बार्स का भी एक दफ़ा रिकैप कर दें। मैंने 1 कप चीनी ली थी, 3/4 कप तेल था, शाताज कुकिंग ऑयल, 1 अदद अंडा, 1/4 कप शहद मिक्स कर दीजिएगा, उसमें छना हुआ 2 कप मैदा जाएगा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा एक दूसरे के साथ, और फिर 1 कप इसमें आप अखरोट डाल दीजिएगा, और वो सारा मिक्सचर अच्छी तरह हाथ से मिक्स करके वुडन स्पून या स्पैचुला से एक डिश में रख दीजिएगा जिसको आपने ग्रीस किया है शाताज कुकिंग ऑयल के साथ, और फिर आपने इसको बेक करना है 15 मिनट, 15 से 20 से 25 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपने कितना थिक रखा है डिश के अंदर, ठीक है। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैंने ग्लेज बनाया है, 1 कप आइसिंग शुगर छान के ली थी, उसमें मैंने 2 चम्मच भर के मेयोनीज डाली थी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, और 1 से 2 चम्मच बस आप पानी डालिएगा, दैट्स इट, मिक्स करके रेडी करके रख दीजिएगा। थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो फिर उसके ऊपर मैं ये ग्लेज डाल दूंगी, वॉलनट्स अखरोट हैं हाफ किए हुए, उसके साथ सजाऊंगी और फिर इसको सेट होने देंगे। जब सेट हो जाएगा फिर बार्स या स्क्वायर्स या क्यूब्स में आप काट के टी टाइम के स्नैक के तौर पे आप खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के ऊपर क्रीम का फ्रॉस्टिंग हो और बड़े बड़े स्वर्ल्स हो क्रीम के, और हर चीज़ में क्रीम और चॉकलेट तो नहीं होगी ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मीठा खाना है लेकिन चॉकलेट नहीं पसंद या चॉकलेट नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए मैं नॉन चॉकलेट डिज़र्ट्स भी तो लेके आती हूँ, इसको आप आइसक्रीम के एक स्कूप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, प्लेन टी टाइम पे भी खा सकते हैं, और इसी के साथ आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं, मसलन ये इसी से वैसे खाइए और फिर छोटे क्यूब्स में काट के इसका आप ट्राइफल बना दीजिए। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एक दफ़ा आप एक रेसिपी सीख लें उसको किस किस तरह इस्तेमाल करनी है वो फिर आपके इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है। चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन, अब मेथी धो के पत्ते अच्छी तरह डंडियाँ काट लीजिएगा और मेथी पूरी डाल दीजिएगा, ये ज़रा थोड़ी सी विल्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर उसके अंदर हम कसूरी मेथी डालेंगे, वो बहुत थोड़ी सी 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं, ठीक है, चुटकी भर लीजिएगा, और गरम मसाला पाउडर है, दैट्स इट। तो चलिए एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपी रिकैप चलेगा, आपने अगर आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा अपनी भी डायरी में, लेकिन डायरीज नहीं भरिएगा, ठीक है, रेसिपीज़ ट्राई भी करिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक, देखें चिकन इज़ डन, ये अब कसूरी मेथी बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितनी ऊपर से आपने स्प्रिंकल करनी है और गरम मसाला पिसा हुआ, दैट्स इट, और फिर आप उसको अच्छी तरह मिक्स करिए, योर मेथी चिकन इज़ रेडी। देखें कितनी सारी मेथी थी, पूरी अंदर विल्ट हो गई,
पानी वानी मैंने कुछ नहीं डाला था, इसी की भाप में ये पक चुका है, इसको हम निकालते हैं। मीनवाइल यहाँ आइए, ये देखिए हमारे जो बार्स हैं हनी सिनेमन बार्स, वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इस पर आपने ये ग्लेज डालना है, और ग्लेज को आपने, अब ठंडा हो गया है, ऐसे करके करना है ताकि ये हर तरफ चला जाए आराम से एंड्स तक। हो गया, अच्छा। अब बिफोर दिस सेट्स आप इस पे अखरोट रख दीजिए इस तरह, ठीक है जी। ये हो गया है, इसको सेट करना है, सेट करने के बाद इसको आपने काटना है। नाउ लेट मी टेक आउट माय मेथी चिकन। आप इसमें ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहें यू कैन डू सो, किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आपको बताते हैं आज के विनर्स कौन हैं। अच्छा, विनर है साइमा फ्रॉम मुल्तान, और लज्जत में 5 बजे लाइव है शिराजी सैलड, पर्शियन चिकन कबाब, पर्शियन जवाहर राइस, और मैं कल बना रही हूँ स्पिनिच एंड कॉर्न बाइट्स, चॉकलेट कुकी ब्राउनीज। ये जरूर देखिएगा रेसिपी, और पास्ता सैलड होगा। सो इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और 3:30 बजे लाइव मुलाकात होगी कल आपकी और मेरी। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।